जा। डैडी, क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ हाँ। मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ। हाँ। हाय नास्तिया। हाय। ओह, तुम्हारे दांतों को क्या हुआ? हेलो नास्तिया। हाय। ओह, तुम्हारे दांत इतने टेढ़े क्यों हैं? सभी को लगता है मेरे दांत भद्दे हैं। हाँ, तुम्हें काफी समय से ब्रेसेस की जरूरत है। ब्रेसेस क्या होते हैं? देखो, ब्रेसेस दांतों के उपकरण हैं, जो कि आपके दांतों और दांतों की बाइट और यहाँ तक की रीढ़ और दृष्टि की समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। अगला दिन। आज मैं ब्रेसेस लगवाने जाऊंगी। रंग चुनना है। व्हाइट और ब्लू? हाँ। ये अच्छा लग रहा है। याद रखना, जब भी ब्रश करो 2 मिनट के लिए ऊपर करना है और 2 मिनट के लिए नीचे, और एक ही जगह पर कुछ सेकंड के लिए स्क्रब करना है। शुक्रिया। यू आर वेलकम। मैं ये स्कूल ले जाऊंगी। स्कूल। हाय टीचर। वो, तुमने ब्रेसेस लगवा लिए? हाँ। देखो, मेरे भी ब्रेसेस लगे हैं। शुक्रिया। नास्तिया के दर्द भी होती है? नहीं। नास्तिया, तुम बहुत बड़ी लग रही हो। शुक्रिया। दोस्तों, अगर तुम्हें ब्रेसेस लगवाने में डर लग रहा है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, दर्द नहीं होता और कुछ भी नहीं होता। और क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ, तुम सच में हो। नेक्स्ट वीडियो। आज ये बहुत सारी वीडियोस देख रही है नास्तिया, स्कूल या यूट्यूब। छिपा छिपी खेलते हैं। ठीक है। 3, 4, 5। मुझे लगता है किचन में छिपना चाहिए। बिल्कुल सही जगह। मैं ना नैपकिन वाली जगह छिप जाती हूँ। मैं यहाँ पे छिप रही हूँ। दरवाजा बंद करो। लगता है तुम थोड़ा सा देख सकती हो मुझे। 98, 99, 100। मैं आ रहा हूँ। नास्तिया।
नास्त्या, कहाँ हो तुम? हाँ, लगता है मुझे नींद आ जाएगी। 10 मिनट हो भी गए लगता है। नास्त्या, क्योंकि वो आ रहे हैं और मुझे सुन लेंगे। बाय, मैं चुप रहूंगी। नास्त्या, कहाँ हो तुम? नास्त्या, कहाँ हो तुम? नास्त्या, हाँ, मिशन फेल्ड। नेक्स्ट वीडियो। दिन है आज। गुड मॉर्निंग। ताजी हवा। नास्त्या, दरवाजा बंद रखो क्योंकि गर्मियों में बहुत ज्यादा कीड़े होते हैं। ठीक है, चलो पूल पे चले। मुझे यहाँ का एक सेफ्टी रूल पता है। सनस्क्रीन लगाओ। तुम्हें सनस्क्रीन लगानी चाहिए, पर इतनी ज्यादा नहीं। रुको रुको। तुम पूल से पानी नहीं पी सकती। हाँ, नियम। नास्त्या, चलो सैर पर चलें। ठीक है। अच्छा है कि जूते पहनो। मोर। बहुत गर्मी है। एक रूल तो भूल गया, टोपियाँ। चलो जाकर टोपियाँ वहाँ खरीदते हैं। मैं एक नींबू हूँ। हाँ।
है। नास्त्या, आंखों का ख्याल रखो, चश्मे पहनो। हाँ। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बात करनी है। ओह, हमें छांव चाहिए। गर्मियों में बहुत जरूरी है कि धूप में कम वक्त बिताया जाए, क्योंकि धूप खतरनाक हो सकती है। शरीर को गर्मी के कारण लू भी लग सकती है। गर्मियों में ढेर सारा पानी पीना बहुत जरूरी होता है। जब कोई गर्मी में बहुत ज्यादा देर रहता है तो शरीर से बहुत सारा पानी निकलता है, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकती है। आपको पानी पीते रहना चाहिए। ध्यान रखना। हैप्पी समर। मेरा पेट दुख रहा है। नास्त्या, चलो डॉक्टर के पास चलें। हाय डॉक्टर। हाय। मेरा पेट दुख रहा है। डॉक्टर, मुझे क्या हुआ? लगता है ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम बहुत सारी मिठाई खाती हो। ये दवाई ले लो, आराम मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया। दादी। चलो डेंटिस्ट के पास चलें। हाय, अपना मुंह खोलो। तुम्हारे दांत तो बिल्कुल सड़ गए हैं। तुम बहुत ज्यादा मिठाई खाती हो ना? मैं तुम्हें चीनी के बारे में एक सूचनात्मक वीडियो दिखाता हूँ। चीनी तुम्हारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। ज्यादा मीठा खाने से उसकी आदत लग जाती है, भूख बढ़ जाती है और ज्यादा मिठाई खाने का दिल करता है। चीनी में कैलोरीज होती हैं, ये शरीर के लिए ताकत का स्रोत होती हैं, पर बहुत ज्यादा कैलोरीज के साथ शरीर भारी होना शुरू हो जाता है। इससे मोटापा बढ़ता है और मोटापे से दिल की बीमारियां लगती हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। चीनी से त्वचा की कोमलता कम होती है और तुम्हें फुंसियां, झुर्रियां और एलर्जीज भी हो सकती हैं। चीनी से मुंह में बैक्टीरिया भी इकट्ठा होते हैं, जिससे दांत खराब होते हैं और सड़ना शुरू हो जाते हैं। चीनी से शरीर को पोषण नहीं मिलता, जिससे शरीर को थकावट शुरू हो जाती है। अगर तुम ड्रिंक्स, सोडा और जूस जैसी मीठी चीजें खाना बंद कर दोगे, फिर भी फ्रूट्स, बेरीज, हनी और नट्स के कारण बहुत सी शुगर खाने में रहती है, और इन चीजों में नेचुरल शुगर है, जो कि तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अब मैं और चीनी नहीं खाऊंगी। बाय बाय। हमें कैंडी को फेंकना होगा। कितना बुरा हुआ। हाँ, चीनी के बिना अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पास एक आइडिया है। हम शहद बनाएंगे। चलो सजाएं इसे। भैया। मधुमक्खियों आ जाओ। मधुमक्खियों आ जाओ। शहद एक नेचुरल शुगर है। ये बहुत ही स्वादिष्ट, मीठा और हेल्दी भी होता है। शहद तैयार हो गया। ये मिठाई की जगह एक अच्छा विकल्प है। यम्मी। बहुत मीठा है। और हेल्दी भी। चलो एक ब्यूटी सलून बनाएं। कॉस्मेटोलॉजी में असली शहद बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। क्या तुम सुंदरता के लिए तैयार हो?
ओह, मुझे ठीक नहीं लग रहा। रुको, मुझे पता है क्या करना है। मैं उनके लिए चाय बनाऊंगी और हनी स्टिक। शहद बहुत फायदेमंद है, इससे जुकाम भी ठीक होता है। अब ठीक लग रहा है। हाँ, शहद की वजह से। टांग पे चोट लगी। शहद। शहद दवाई का काम भी करता है। शहद की पट्टी करने से चोट ठीक हो जाती है। हनी कैंडी। यस। यम्मी। दोस्तों, हेल्दी रहना और ज्यादा चीनी मत खाना। बाय। नेक्स्ट वीडियो। हाय मैगी, क्या तुम आ सकती हो यहाँ? हाय नास्तिया। हाँ हाँ, मैं आ सकती हूँ, पर मम्मा ने छोटी बहन का ध्यान रखने के लिए बोला है। उसके साथ आ जाऊँ? ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं। हाय मैगी। हाय नाओमी। हाय नास्तिया। आ जाओ, चलो जाकर नेल पेंट करें। चलो चलें। लेट्स गो। नहीं नाओमी, ये बच्चों के लिए नहीं है। मुझे भी चाहिए, मैं बोर हो गई। मेरे पास एक आइडिया है। शुक्रिया। नास्तिया, मेरे नाखून पे स्टिकर लगा दोगी? हाँ। देखो, गुड़िया के पास कपड़े ही नहीं है। अरे गुड़िया ने तो कपड़े नहीं पहने। हम अपनी गुड़िया के लिए नए कपड़े बना सकते हैं। हमें चाहिए गुब्बारे। ठीक है। नहीं 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 नहीं, ऐसे करके नहीं। स्कर्ट तैयार हो गई और शर्ट भी। ड्रेस भी तैयार है। शुक्रिया। चलो ब्रेसलेट बनाते हैं। मैं बोर हो गई। नहीं नौमी, नहीं। नास्तिया, हमें इसका ध्यान बटाना होगा। क्या नौमी के लिए कोई खिलौना है? ओ हाँ। मुझे पता है क्या करना है। हमें गुब्बारे के अंदर पानी भरना है। अब इस गुब्बारे को इस गुब्बारे में डालो। ठीक है। ओके। देखो हमें क्या मिला। नौमी, देखो तुम्हारे लिए नया खिलौना। स्ट्रॉबेरी और फ्रूट के साथ। नाओमी, पिज़्ज़ा तैयार है। यम्मी। शुक्रिया।
मम्मी फिक्र मत करो, हम बदल देंगे कपड़े। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। नास्ते, चलो तस्वीरें बनाते हैं। अच्छा आइडिया है। कागज अंदर डालो। ये क्या? नाओमी, कैंडी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। हेल्दी कैंडी। अच्छा आइडिया है। ये बहुत अच्छा है, शुक्रिया। ये क्या? मुझे पता है क्या करना है। बस तैयार हो ही गया। नाओमी, शुक्रिया, इसमें बहुत मजा आ रहा है। ठीक है माँ, हम आ रहे हैं। नास्ते बुलाने का शुक्रिया, पर अब हमें घर जाना होगा। तुम्हारा हमेशा स्वागत है। बाय।